हेलो दोस्तों, अगर ये भगवान राम ने दिए गिलहरी के पीठ पर क्यों ये तीन निशान, आइए चलते हैं भक्ति इस रोचक कथा के बारे में। पुरानी कथाओं के अनुसार जब रावण ने सीता का हरण कर लेकर ले गया लंका में, भगवान श्री राम को लंका को जाने के लिए अपनी बांदी सेना को लगाकर पुल बनाने का काम करना पड़ा। भक्तों, पुल बनाने पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर उस समुद्र में डाला जाता था। सारे वानर उसी समुद्र में भगवान श्री राम का नाम लिखकर उसी में डालते थे। भगवान राम का नाम लिखने जाने के लिए पत्थर समुद्र में पड़ते ही बल्कि डूबने के लिए ना बल्कि ऊपर को लिए तैरने लगते हैं। ऐसे हम आप लोगों को बताएंगे रामायण से जुड़ी कथा जो आप लोगों ने बहुत ही कम पढ़ी या बहुत कम सुनी होगी। वानर सेतु, वानर सेने का योगदान हम लोग जानते हैं, पर क्या भक्तों गिलहरी का योगदान जानते हैं? आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गिलहरी का क्या योगदान था। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के लिए अपना उत्साह और जुनूरपन भगवान श्री राम उस वानर सेना का देखते मेरे भक्तों समर्पण और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं। उसी समय मेरे प्रिय भक्तों, वहां पर एक गिलहरी थी, अपने मुंह से कंकड़ को उठाकर उस समुद्र में डाल रही थी। उसे कुछ समय बाद एक बंदर ने उसके पत्थर डालने को लिए देख लिया। उसे बार बार देखते ही एक बंदर ने उसका मजाक बना लिया। वानर बोला, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी हो, इस समुद्र से दूर रहो, बल्कि ये ना हो जाए कि आप इस समुद्र के पत्थर के नीचे ही दब जाओ। यह सब सुनकर मेरे भक्तों दूसरे बंदर भी मजाक बनाने लगते हैं। यह सब सुनकर गिलहरी बहुत दुखी हुई। भगवान राम ये सब देख रहे थे। गिलहरी की नजर मेरे भक्तों जब भगवान पर पड़ती है, वह गिलहरी रोते रोते भगवान श्री राम के समीप पहुंच जाती है। भगवान राम से उस सेना की गिलहरी ने शिकायत करती है। तो मेरे भगवान श्री राम खड़े हो जाते हैं और अपनी वानर सेना को दिखाते हैं कि जब गिलहरी ने उस छोटे छोटे कंकड़ों को फेंका था, तब पत्थर जिन छोटे छोटे कंकड़ों को गिलहरी ने फेंका था वो कैसे बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर एक गिलहरी जो कंकड़ों को नहीं फेंकती तो तुम्हारे सारे पत्थर फेंकने से ऐसे वैसे इधर उधर रह जाते। मेरे भक्त गिलहरी के द्वारा फेंके हुए वही जोड़ने का काम कर रहे हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान वानर सेना की जैसा ही योग्य है। इतना कहकर भगवान श्री राम गिलहरी को अपने हाथी पर उठा लेते हैं और उसके काम की बहुत सराहना करते हैं। भगवान श्री राम बड़े ही सराहना से उसके पीठ पर हाथ फेरने लगते हैं। भगवान श्री राम के हाथ छूने पर उसके उसके ऊपर अंगुलियां छट जाती हैं। तब से ही माना जाता है कि भगवान श्री राम के हाथ उसकी लहरी के ऊपर छप 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 गया था और तब से माना जाता है कि भगवान श्री राम की उस पैर पर लगी अंगुलियां बल्कि कुछ नहीं श्री राम के हाथों की अंगुलियां हैं और भगवान श्री राम की उंगली के मौजूद उनका आशीर्वाद है। भगवान श्री राम तभी से गिलहरी की पीठ पर ये तीन धारियां बन गई थी। आज भी इस गिलहरी के ऊपर भगवान श्री राम के हाथों की लकीर छपी हुई है। तीन लकीरियां भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता का प्रतीक माना जाता है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि भगवान श्री राम के हाथों से छपी हुई उंगलियां आप लोगों को किसको पता था। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर भक्त अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। जय श्री राम, जय श्री सीता, जय श्री राम।